हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विथ अंजनी। कहिए कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मशरूम की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई होगी, लेकिन एक बार मेरे इस तरीके से आप बनाएंगे मसाला मशरूम तो मटन चिकन पनीर सब भूल जाएंगे, यकीन मानिए। तो चलिए आज बनाते हैं इजी मसाला मशरूम की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, जो कि बहुत कम चीज़ों में बनके तैयार हो सकती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। तो जब कभी भी आपका मन हो मशरूम खाने का, तो आराम से आप मशरूम ले आइए और मेरे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, यकीन मानिए आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम मशरूम, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, ये देखिए। तो अब हम इसे कट कर लेंगे। तो एक मशरूम में से हम 4 पीस करेंगे, ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम मशरूम पकाते हैं तो वो एकदम से श्रिंक हो जाती है, तो इसलिए हम इसे थोड़ा बड़ा ही कट करेंगे पीसेस। इसको फिर मैंने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें डाला है हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली पाउडर, क्योंकि ये सब्ज़ी हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो एक बात बताओ आपको, रेस्टोरेंट में सेम प्रोसेस से पहले मशरूम में थोड़ा सा हल्दी और कश्मीरी रेड चिली पाउडर मिक्स करके उसको फ्राई करके बनाते हैं, ताकि सब्ज़ी देखने में भी बहुत अच्छी लगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने गरम किया सरसों का तेल और उसमें डाल दिया है मशरूम को, और इसे अब हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा देर नहीं फ्राई करना है, बस थोड़ी देर। मशरूम बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है फ्रेंड्स, इसे कुक होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो ये देखिए लगभग फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी बचे हुए तेल में हम बनाएंगे सब्जी। तो यहाँ डाला है 1 चम्मच जीरा, 30 पत्ता, लाल मिर्च और कुछ खड़े गर्म मसाले, जैसे कि दालचीनी, छोटी इलायची और एक लौंग। इन सबको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ प्याज को बारीक चॉप करके लिया है यहाँ पे, और इसे अच्छे से हम भूनेंगे। फिर प्याज को जितना अच्छा पकाएंगे ना, सब्जी की ग्रेवी उतनी ही बढ़िया होती है। तो जब कभी कोई भी सब्जी हो, किसी भी चीज़ की ग्रेवी हो, अगर हम प्याज डाल रहे हैं तो प्याज को अच्छे से पकाइए। तो ये देखिए प्याज को हमने एक बार फिर से चला लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने से प्याज जल्दी गल जाती है, तो यहाँ पे नमक हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, आप ही सेम करिएगा। इसके बाद इसे अच्छे से हम चला लेंगे और इसे ढक देंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट में हमारी प्याज बहुत बढ़िया से पक गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा टमाटर का इस्तेमाल किया है, साथ ही साथ डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके साथ डाला है धनिया पाउडर, थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, साथ ही साथ डाला है थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले नीचे से जले ना, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएँगे। टमाटर हमने एकदम से एक छोटा टमाटर का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि बाद में हम इसमें दही डालेंगे। तो ये देखिए मसाले अच्छे से पक गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम, जो हमने फ्राई करके रखा था उसको हम इसमें डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि मसाले नीचे से जले ना, और जो नमक और मसाले का जो फ्लेवर हो वो मशरूम में आ जाए। तो बस इतना ही करना है। तो ये देखिए पानी डाल करके इसे अच्छे से हमने चला लिया है। तो ये देखिए इसमें अच्छे से एक बॉयल आ चुकी है, साथ ही हमने डाल दिया है गरम मसाला 1 चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गरम मसाला डालने के बाद थोड़ी देर इसे हम ढक करके उबलने देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम बिल्कुल ताज़ी दही, उसे अच्छे से फेंट लेंगे और गैस को ऑफ करके थोड़ी देर ठंडा होने के बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। वो क्लिप मैं शूट करना भूल गई थी फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा। तो दही डालने के बाद हम इसे लगातार चलाते रहेंगे,
गरम ग्रेवी में अगर हम दही डालेंगे तो दही फट जाती है, जिससे कि सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे कसूरी मेथी। गैस को मैंने फिर से ऑन कर लिया है फ्रेंड्स, और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। कसूरी मेथी डालने से सब्जी में बहुत अच्छी खुशबू आती है फ्रेंड्स, जिससे सब्जी का टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। तो बस ये सब्जी हमारी रेडी हो गई। ये देखिए ग्रेवी में एक अच्छी सी उबाल आ गई है फ्रेंड्स। दही डालने से ना इस सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है, स्पेशली ग्रेवी में जो क्रीमी फ्लेवर आता है ना, जिसके बात ही कुछ और है। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ग्रेवी में हमने दही डाली है। तो आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो। तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। बाय।